नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक सुंदर सुंदर फूलों वाला पौधा आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और आज मैं इसी फायदे के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों आज आप जो ये फूल देख रहे हो, मेरे ख्याल से आप पहली बार तो नहीं देख रहे हो, कई बार इस फूल को आप देखे होंगे किसी के घर के आंगन में, गार्डन में, या फिर बाग बगीचों में, या फिर सड़क के किनारे, या फिर मंदिरों के आंगन में जरूर न जरूर देखे ही होंगे। मगर क्या आप इस फूल के पत्तों के फायदे के बारे में जानते हैं? तो दोस्तों अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। दोस्तों यह पौधा एक झाड़ी नुमा होता है, 3 फुट से लेकर 5 फुट तक बड़ा से बड़ा होता है। इस पौधे की 3 प्रजाति होते हैं, तीनों प्रजाति के अलग अलग फूल होते हैं और इस पौधे में हमेशा फूल खिलता रहता है और यह पौधा सदा हरा भरा रहता है, इसीलिए बहुत से लोग इसे सदाबहार फूल का पौधा कहते हैं। और इस पौधे की ज्यादा देखभाल भी नहीं करना पड़ता है, यह पौधा कहीं कहीं तो अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है बरसात के दिनों में और 12 महीना हरा भरा रहता है, इसलिए बहुत से लोग इसे 12 मासी पौधा के नाम से जानते हैं, यानी 12 मासी फूल का पौधा कहते हैं। दोस्तों इसके फूल गोल गोल बहुत प्यारे प्यारे दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं और दोस्तों फूल में 4 पंखुड़ियां होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, इसलिए इसके सुंदरता को देखते हुए बहुत से लोग इसे नयन तारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह तारा जैसा, सितारा जैसा भी दिखाई देता है। और कुछ लोग इसे सदा पुष्पा कहते हैं, सदा पुष्पी कहते हैं, सदा सुहागनी कहते हैं, सदा सुहागन कहते हैं, इस तरह से अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी जितनी भाषाएं उतने सारे इसके नाम। लेकिन दोस्तों यह पौधा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेदिक दुनिया में इस पौधे का भी बड़ा नाम है, यह एक नामचीन पौधा है, इसके अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि गुण समाये हुए हैं। लेकिन जो लोग इसके गुण धर्म, इसके फायदे के बारे में जानते हैं, वही इसे इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, और जो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो वह लोग क्या इसका उपयोग करें, क्या इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों आज जब मैं आपको इस सदाबहार पौधे के बारे में बताऊंगा कि यह हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, तो आप इस पौधे को अपने घर में किसी गमले में जरूर लगाएंगे। ऐसे तो इसके सुहाने सुहाने सुंदर सुंदर फूल देखकर हर कोई अपने घर आंगन में लगाया ही होगा, और जो लोग इस पौधे को एक बार देखते हैं तो अपने घर आंगन में ले जाकर लगा ही लेते हैं। एक तरह से यह मनमोहक पौधा है, देखने वाले का मन मोह लेता है। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पौधे को पहचान चुके होंगे, तो आओ चलो अब सदाबहार के आयुर्वेदिक फायदों के बारे में जाना जाए कि यह हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा मैं उन्हें बताऊंगा जो डायबिटीज शुगर से बहुत परेशान हैं, हर दिन दवाई खाते हैं और दवाई खा खा के तंग हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, दवा खा खा के कमजोर होते हुए जा रहे हैं, बॉडी की स्टेमिना घटते जा रहा है, दिल कमजोर होते जा रहा है, गुर्दा कमजोर होते जा रहा है, पाचन क्रिया बिगड़ रहा है, खाया पिया खाना हजम नहीं होता है, क्या खाए क्या न खाए हमेशा वह सोचता ही रहता है। तो दोस्तों शुगर डायबिटीज वाले रोगियों के लिए यह बहुत अच्छा दवा है, एक तरह से ईश्वर का वरदान है। यहाँ तक कि अगर आप लगातार रेगुलर इस पौधे, इस फूल का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं तो वह इंजेक्शन भी धीरे धीरे छूट जाएगा। यह इतना अचूक रामबाण औषधि है डायबिटीज शुगर वालों के लिए। लेकिन जो लोग इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे महीना दो महीना, देखिए दोस्तों अलग अलग शरीर का अलग अलग तासीर होता है और अलग अलग वजन भी होता है और बॉडी के हिसाब से अलग अलग खुराक भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई 2 रोटी खाता है तो कोई 5 रोटी खाता है, अब कोई आधी रोटी ही खाता है, जिसका पेट जितने रोटी में भर जाए तो समझो हुआ भूखा नहीं रहता है। उसी तरीके से इस पौधे, इस फूल का भी इस्तेमाल करना, एक डोज एक मात्रा होता है, वह मात्रा आपको तय करना पड़ेगा कि कितना पत्ती खाने के बाद आपको फायदा महसूस होता है, कितना फूल खाने के बाद आपको फायदा महसूस होता है, क्योंकि इस बात को रोगी खुद
आजमा सकता है, जान सकता है कि उसे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। जिस तरह से आप एक एलोपैथिक मेडिसिन बुखार उतारने वाला खाते हैं 500 एमजी पैरासीटामोल और आपका बुखार उतर जाता है, तो आप ही नहीं जानते हैं मेरा बुखार उतर रहा है या फिर मेरा दर्द जा रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस फूल, इस पत्ते का सेवन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि मेरा डायबिटीज कम हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं इस पत्ते का, इस फूल का मात्रा आपको बता दे रहा हूँ। नॉर्मल मात्रा यह है कि 4 से लेकर 5 पत्तों का सेवन प्रतिदिन सुबह सुबह बासी मुंह चबा चबा कर खाया जाए और 1 गिलास पानी पिया जाए तो डायबिटीज शुगर में फायदा होता है। बीमारी के हिसाब से आप डोज घटा बढ़ा भी सकते हैं, पत्तों का अंक कम ज्यादा भी कर सकते हैं, फूल का अंक भी कम ज्यादा कर सकते हैं। यह एक वनस्पति है, इसके अंदर किसी भी तरीके कोई हानि प्रभाव नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखना कि पत्ते साफ सुथरा हो, किसी भी तरीके कचरा न हो, और जहाँ से आप पत्ते तोड़ रहे हैं वह जगह भी अच्छा हो, साफ सुथरा जगह हो, किसी भी तरीके गंदगी न हो। इसके बाद भी आप पत्तों को घर में लाकर ठीक से पानी में धोकर साफ कर लीजिए, तब उस पत्ते को आप सेवन कीजिए, चबाइए, खाइए। डायरेक्ट पेड़ से तोड़कर ही मत खा लीजिएगा। अब अगर इसे कोई चबा चबा कर नहीं खाना चाह रहा है तो आप इस पत्तों को पीस कर, फूल को पीस कर, पेस्ट बनाकर, चटनी बनाकर, पानी डालकर, गिलास में शरबत बनाकर पी भी सकते हैं घोल कर। दोस्तों, यह सदाबहार के फूल पत्ता डायबिटीज शुगर वालों को तो फायदा करता ही करता है, ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अगर किसी का बीपी हमेशा हाई रहता हो, ब्लड प्रेशर का रोगी हो, वह भी तो हमेशा ही मेडिसिन यूज करता रहता है, हर दिन उसे भी दवा खाना पड़ता है। शुगर की तरह बीपी वाले भी दवा से तंग आ जाते हैं, तो वह बीपी वाले भी इस सदाबहार के फूल पत्ते सुबह खाली पेट करीबन 5-6 पत्ते लेकर चबाएं, या उससे कम पत्तों में शुरुआत करें, 3-4 पत्तों का सेवन करें, शुरू में देखें कितना फायदा होता है। उसके बाद आप पत्तों को बढ़ा भी सकते, घटा भी सकते, आपके ऊपर है, आपको खुद मालूम पड़ने लगेगा खाने के बाद। दोस्तों, यह सदाबहार का पत्ता खून को फिल्टर करता है, साफ करता है, खून के अंदर विषैले पदार्थ को निकालकर पेशाब के रास्ते से बाहर कर देता है। यह सदाबहार का फूल पत्ता त्वचा रोगों के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है, फायदेमंद माना जाता है। अगर किसी को दांत, खाज, खुजली हो, या फिर एक्जिमा हो, या फिर दिनाए हो, तो ऐसे रोगी भी इसके पत्तों को पीस कर, पेस्ट बनाकर त्वचा के ऊपर लेप करते हैं, तो उन्हें फायदा होगा। दोस्तों, इस पेड़ के पूरे 5 अंग को निकाल कर, जिसे पाचक कहते हैं, आप सुखाकर, पीसकर, पाउडर बनाकर डब्बे में भी रख सकते हैं। इसका 3 ग्राम चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे रोगों में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके हरे हरे ताजे ताजे सेवन के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनते जाइए। दोस्तों, यह सदाबहार का पत्ता और फूल पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है, पेट के अंदर एसिडिटी गैस को होने से रोकता है। दोस्तों, यह सदाबहार के पत्तों का रस फोड़ा फुंसी घाव को भी ठीक करने का काम करता है। अगर किसी को घाव हो, फोड़ा फुंसी हो, तो इस सदाबहार के पत्तों को पीसकर, नीम के पत्ते कुछ हिस्से डालकर पेस्ट बनाकर आप उस फोड़ा फुंसी के ऊपर लेप कर दीजिए, तो वह फोड़ा फुंसी सूखने लगता है, ठीक हो जाता है कुछ दिनों के अंदर। दोस्तों, यह हरे हरे ताजे ताजे सदाबहार के पत्तों से आप चेहरा भी चमका सकते हैं, चेहरे में होने वाले दाने, फोड़े, फुंसी और पिंपल्स को भी गायब कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस ताजे ताजे सदाबहार के पत्तों को तोड़कर पीसकर चटनी बना लीजिए, और उस चटनी में करीबन 1/2 नींबू का रस मिला लीजिए और 1/2 चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाकर चेहरे पे आप मसाज कीजिए, लेप कीजिए और 15-20 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ठंडे पानी चेहरे को धो लीजिए, या उपाय कुछ दिनों तक कीजिए, आपके चेहरे पे चमक आएगा, चेहरे का मैल कट जाएगा, चेहरा चमकने लगेगा, बुढ़ापा में भी आप जवान दिखाई देंगे। तो इस सदाबहार के डंटल को चबाने से मुंह के छाले दूर होते हैं और दांतों के रोग, पैरिया या दांतों से खून मवाद आता हो तो वह भी आना रुक जाता है। दोस्तों, सदाबहार के फूल का रस और बादाम के तेल दोनों को मिलाकर बालों के जड़ में लगाने से बाल का जड़ मजबूत होता है और बाल चमकीले होते हैं। दोस्तों, सदाबहार के पत्ते और फूलों का रस निकालकर शरीफा के तेल में डालकर बालों के जड़ में रगड़ने से बालों के अंदर होने वाले डेंड्रफ, रूसी और जुआ खत्म हो जाते हैं। सदाबहार की जड़ के रस 10 ml और जामुन के छाल का रस 40 ml दोनों को मिलाकर पीने से पेटों के रोग दूर होते हैं, जैसे अतिसार रोग हो या पेचिस रोग हो।
या पेट में मरोड़ मारता हो, खूनी दस्त होता हो, इन सब पेट के रोग में आप 10 एमएल सदाबहार की जड़ का रस और 40 एमएल जामुन के छाल का रस दोनों को मिलाकर सेवन करना है दिन में 2 बार, तो फायदा होगा। दोस्तों, दिल की ताकत को भी बढ़ा सकते हैं आप इस सदाबहार के जड़ के छाल के पाउडर से। आप इसके जड़ के छाल के पाउडर ले लीजिए करीबन 3 ग्राम, और 3 ग्राम ले लीजिए अर्जुन की छाल का पाउडर। 50 ml पानी में डालकर उसे 2 बार उबालिए, यानी 25 ml पानी जला दीजिए और 25 ml पानी को बचा लीजिए। फिर गरम गरम गुनगुने दूध में 100 ml दूध में वो 25 ml बचा हुआ काढ़ा डालकर घुमाकर पी जाइए, इससे आपका दिल मजबूत होगा। अगर जरा जरा से बातों में आप घबराने लगते हैं, दिल आपका कमजोर है, तो 5 ग्राम अर्जुन के छाल और 3 ग्राम इस सदाबहार के जड़ के छाल को मिक्स करके आप डायरेक्ट भी बिना पकाए दूध में डालकर सेवन कर सकते हैं, या दूसरा उपाय है। तो चलो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेद।